नमस्कार दोस्तों, जो आप जे पत्ते देख रहे हो ये ग्लोए के पत्ते हैं। ग्लोए जिसको अमृता बेल भी बोला जाता है। तो मुझको काफ़ी दूर से औषधि के लिए ये लानी पड़ती थी, अब मैं इसकी घर पे ही खेती कर रहा हूँ। तो इसको घर पे उगाना काफ़ी आसान है, हम अपने शो के लिए भी इसको घर पे लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत पत्ते होते हैं इसके और लगाने में काफ़ी सरल होती है। इसको सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने जो पाइप का टुकड़ा लगाया है इधर और ऊपर इसको इसके लिए वायर लगा दी है। तो मैंने जो एक पौधा वो लगाया था आप देख सकते हो, अभी इसमें से बेल निकल गई है। करना क्या है कि हमको 5 से 4 फीट तक इसका ग्लोए का टुकड़ा कहीं से लाना है जो हरा हो, और जून महीने में या जुलाई महीने में इसको ज़मीन में गाड़ना है। सिर्फ 6 इंच या 7 इंच हम ज़मीन में गाड़ दें इसको, और इसमें नमी देते रहें कि सूखना नहीं चाहिए इसकी मिट्टी, और समय आने पे बरसात में इसमें से सुंदर सी बेल निकल आएगी जी। देखिए, और जो काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, 4-5 इंच रोज़ की जो बढ़ती है। तो इसको इसको सहारे की ज़रूरत होती है, तो आमतौर पे ये खुद पेड़ों के नीचे से उगती है और पेड़ों पे चली जाती है। तो ये देखिए, मैंने इसको लकड़ी का सहारा देने के लिए इधर लकड़ी लगा दी है। तो अभी आप ये देखिए, हम घर पे इसको शो पीस के लिए कैसे लगा सकते हैं। ये मैंने पाइप गाड़ी है और ये फ्लेक्सिबल होती है, तो मैंने इधर से इसको बेंड करके ये इधर तार लगा दी है, तो इसको ऐसे मोड़ दिया है। तो आगे आप देख सकते हो ये इसका, अभी इसको मैं मनचाहा शेप दे सकता हूँ, चाहे आगे को क्योंकि फ्लेक्सिबल है, ऊपर जाना चाहे ऊपर ले सकता हूँ। तो आगे लेने के लिए मैं इसको, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं आगे को इसको मोड़ दूँगा। इसके काफ़ी औषधीय गुण होते हैं, काफ़ी लाभदायक होती है ये। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ग्लोए सतब निकलता है इसमें से जो काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसको घर पे ज़रूर उगाएं, सदा बाहर रहती है, जे सूखती नहीं है कभी भी जे बेल। घर के अलावा भी हम कहीं पे भी इसको उगा सकते हैं। जे घने पेड़ हैं, इधर मैंने एक टहनी लगाई थी जो अभी उसमें से शाखाएँ निकल गई हैं, बेल निकल आई है। तो ये 3-4 फीट की टहनी थी जो मैंने इधर लगाई थी। इसका जे टॉप वाला सिरा है जो मैंने काटा था, और दूसरा इधर ज़मीन में घुसाया था 6 से 7 इंच। तो ज़्यादा मोटी भी नहीं थी बेल। अभी इसमें से 2 टहनियाँ निकल गई हैं, 2 बेलें निकल आई हैं, एक वो जे। तो अभी प्राकृतिक रूप से जे ऊपर इस पेड़ के ऊपर चली जाएगी। तो जे लगाने में काफ़ी आसान होती है, हम कहीं भी इसको उगा सकते हैं, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। टहनी चाहिए और ज़मीन में थोड़ा सिरा, एक सिरा ज़मीन में घुसा देना है, और उधर नमी चाहिए थोड़ी। तो जे नाम ही इसका अमरबेल है, जे चलती रहती है। जे बाहिद एक बूटी है, औषधि है, जो बात, पित्त और कफ तीनों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त के लिए तो काफ़ी रामबाण का काम करती है जे औषधि। तो ग्लोए को ज़रूर लगाएं, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।